आपको बता दें, प्राइवेट स्कूलों के द्वारा सत्र 2024-25 में की गई फीस वृद्धि पर रोक लगाकर इन विद्यालयों की विभागीय ऑडिट करवाने जिला पालक संघ की प्रदेश अध्यक्ष नजरुल खान और जिला अध्यक्ष संध्या उपाध्याय ने नामजद 8 स्कूलों की लिखित शिकायत कर जिला शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही जिला शिक्षा अधिकारी से जल्द कड़ी कार्रवाई की मांग भी की है और कहा है कि संचालित प्राइवेट विद्यालय द्वारा शिक्षा के अधिकार अधिनियम उल्लंघन कर शिक्षा जैसे सेवा कार्य को व्यापार बनाकर प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित किया जा रहा है, जिनमें प्रमुख रूप से शामिल प्राइवेट विद्यालयों की सूची शामिल है। तो तीन स्कूल और तीन नाम क्यों जी तो ही नहीं सकता। ये क्या करते हैं, उल्टा सीधा खर्चा दिखा देते हैं। इनका कक्षा वार बच्चे कितने हैं उसके हिसाब से फीस कितनी ली जाती है, उसको अगर निकाला जाएगा और उस हिसाब से खर्च निकाला जाएगा तो पता चलेगा साल में 8-8 करोड़ रुपए सिर्फ केपीएस वाला कमा रहा है, सिर्फ बचा रहा है सिर्फ 8 करोड़ से 10 करोड़ रुपए। इसका मैंने एनालिसिस किया था, पिछली बार पूरा निकलवाया था इसका मैंने। गौरतलब है कि पालक संघ ने आरोप लगाते हुए ये भी कहा है कि प्राइवेट स्कूलों द्वारा फर्जी ऑडिट रिपोर्ट तैयार कर प्रतिवर्ष लाभ ना कमाने वाले जो दस्तावेज प्रस्तुत किए जाते हैं उन सभी प्राइवेट विद्यालयों की विभागीय जांच करने की जरूरत है। इन प्राइवेट विद्यालयों में अध्ययनरत समस्त छात्रों की कक्षावार संख्या और प्रतिवर्ष ली जाने वाली समस्त फीस और विद्यालय में होने वाले समस्त खर्च की विभागीय ऑडिट करवाकर लाभ कमाने वाले विद्यालय के खिलाफ अधिनियम की धारा 13 के तहत पालकों से वसूली गई लाभ की रकम को कैपिटेशन शुल्क मानते हुए उक्त रकम का 10 गुना जुर्माना की कार्रवाई की जाए। इस संबंध में उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। ने हर साल फीस को बढ़ा देते हैं, अभी भी 2024 से 25 तक इन्होंने 8-10% का फीस बढ़ोतरी कर दी है। इसीलिए हमने शिक्षा अधिकारी के पास आए थे कि ताकि वो हमारी बात सुने और हमारी बात रखे कि आगे चल के हमें कोई दिक्कत ना हो, पालकों को दिक्कत ना हो। लेकिन ये निजी स्कूल वाले मानने को तैयार ही नहीं होते, बिना पेरेंट्स मीटिंग रखे हुए उन्होंने फीस बढ़ा देते हैं और खुद के पेरेंट्स भी रहते हैं, टीचर भी रहते हैं, मैनेजमेंट भी रहते हैं और बाकी बाहर के पेरेंट्स लोग कोई स्कूल में नहीं रहते हैं। हाँ, समिति की जांच हो, विभागीय ऑडिट किया जाए, उसमें जाँच करना चाहिए कि पेरेंट्स लोग से उन लोग कमा रहे हैं कि नहीं। यदि पेरेंट्स लोग से नहीं कमाते हैं तो कोई बात नहीं, यदि कमा रहे हैं तो उनको जाँच किया जाए और जो भी जाँच में निकला कि पेरेंट्स लोग से ये ज़्यादा कमा रहे हैं तो उस पेरेंट्स को पूरा फीस वापस किया जाए। प्रावधान है कि स्कूल जो है फीस अपनी मर्जी से नहीं बढ़ा सकता है, उसके लिए बहुत सारे मापदंड हैं। लेकिन स्कूलों द्वारा क्या होता है, हर साल करोड़ों रुपए का लाभ अर्जित करने के बावजूद भी मनमानी तरीके से इस सत्र में भी फीस बढ़ा दिया गया है। तो ये जिला शिक्षा अधिकारी से मांग की गई है कि सबसे पहले तो आप इन स्कूलों की जो बढ़ी हुई फीस है इसको वापस करवाएं और वो पालकों को राहत दिलाएं। दूसरा जो है, जो स्कूल ये कहते हैं कि हम नो प्रॉफिट नो लॉस से संचालित हो रहे हैं, इनकी विभागीय ऑडिट करवाई जाए। जैसे कि एक बार 2012 में जब इनकी विभागीय ऑडिट हुई थी और केपीएस को 82 करोड़ और एमजीएम को 32 करोड़ का फाइन हुआ था, उसी तरीके की विभागीय ऑडिट की मांग आज फिर जिला शिक्षा अधिकारी महोदय से की गई है और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय ने आश्वासन दिया है कि फीस भी कम करवाई जाएगी, विभागीय ऑडिट भी की जाएगी और किसी भी स्कूल को मनमानी नहीं करने दिया जाएगा। लोगों ने 9 स्कूलों के बारे में मतलब क्या बोलते हैं शिकायत की है। 9 स्कूल में जिसमें कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरू नगर भी है, कृष्णा पब्लिक स्कूल सुंदर नगर, शकुंतला विद्यालय रामनगर है, केएच मेमोरियल है जवाहर नगर और माइल स्टोन है खपरी और महावीर स्कूल है दुर्ग का और एक आइडल पब्लिक स्कूल है दुर्ग का। इसके अलावा चरौदा से ज्योति विद्यालय और श्री विद्यालय करके हैं। इन स्कूलों की अभी जाँच की जा रही है। इसके बाद इनकी रिपोर्ट आने के बाद और ये भी मांग की गई है कि इनकी विभागीय ऑडिट करने के बाद इस जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए ताकि हर पालक उसको लेकर अपने स्तर से उसको चेक कर सके। एसीएन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।